मेरे सारे पुत्रों का बलिदान देना होगा। तुम्हें दुख है सखी, तुमने ये युद्ध किया क्या? उत्तर दूं गोविंद? देह की पीड़ा कल्पना में अधिक प्रतीत होती है, भोगने में कम, किंतु हृदय हृदय की पीड़ा कल्पना में कम प्रतीत होती है, किंतु जब वास्तव में सामने आती है सहन करने की सीमा से बाहर चली जाती है। संसार में कहीं कोई सत्य दिखाई नहीं देता, जीवन ही जैसे साथ छोड़ देता है। जब आपने कहा था कि मेरे सारे पुत्रों का वध होगा, तब नहीं जाना था मेरी हर संतान की मृत्यु के साथ कैसे मेरा एक एक अंग कट जाएगा। गोविंद, मेरी प्रत्येक आती हुई बात, मेरे सौ सौ नागदंशों की पीड़ा देती है। गोविंद, हट जाती हुई श्वास एक सीख बन कर निकलती है। हाँ गोविंद, क्यों किया हमने ये युद्ध? क्या लाभ प्राप्त हुआ हमें? आपने अपने चमत्कार से मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन क्यों नहीं कर दिया? सबको धर्म का मार्ग दिखाया होता। चमत्कार से मनुष्य की आत्मा में परिवर्तन नहीं होता सखी। आत्मा परमात्मा का अंश और उसकी स्वतंत्रता की कोई मर्यादा नहीं। धर्म के मार्ग पर चलना है या अधर्म के मार्ग पर, ये आत्मा निश्चित करती है और उसके उस निश्चय को कोई चमत्कार बदल नहीं सकता। विचित्रता यही है सखी, मनुष्य स्वतंत्र है किंतु वो बुद्धिपूर्वक विचार नहीं करता, ना धर्म का विचार करता है और ना ही अधर्म का विचार करता है। वास्तव में वो केवल अपने से अधिक शक्तिमान का, सत्ता स्थान पर बैठे व्यक्ति का अनुकरण करता है, अंध अनुकरण करता है। पिता का अनुकरण पुत्र करता है, गुरु का अनुकरण शिष्य करता है और राजा का अनुकरण उसकी प्रजा करती है। यही कारण है जब राजाओं का अधर्म बढ़ता है तो उनकी प्रजा में भी अधर्म तीव्र गति से बढ़ता है। ये ऐसा ही समय था सखी, जब सुख संपत्ति सुविधाओं की भयानक लालसाएं थी राजाओं के मन में, तपस्या और त्याग के स्थान पर भोग और वासनाओं का महत्व अधिक था। और जब प्रजा अपने ही राजा को अधर्म करता हुआ देखती तो स्वयं भी अधर्म के मार्ग पर निकल पड़ती।
विचार करो सखी। मगध, चेव, तारुष, कुरु, गांधार, पांचाल, त्रिगर्ता, चेदी, शिवी, विदर्भ जैसे बड़े बड़े राज्यों में कौन सा राजा था जो धर्म का अनुकरण कर रहा था, जो अपनी प्रजा के लिए धर्म का प्रमाण बन सकता था? एक भी नहीं। किंतु इतना विध्वंस क्यों गोविंद? कोई अन्य मार्ग नहीं था? किंतु इतना विध्वंस क्यों गोविंद? कोई अन्य मार्ग नहीं था? नहीं सके, इसी बात का तो दुख है। जिस वृक्ष पर कड़वे फल लगते हों, उस वृक्ष को उखाड़ कर मधुर फल देने वाला वृक्ष लगाना पड़ता है। उसी वृक्ष को अधिक खाद पान देने से या उसकी टहनियों को काट छांट करने से फल मधुर नहीं हो जाते। आर्यवर्त का जो संबंध भूतकाल से था, उसे पूर्णता काट कर नए भविष्य का निर्माण करना अनिवार्य था। भविष्य को शुद्ध करने हेतु इस अशुद्ध वर्तमान को तोड़ना अनिवार्य था। आज रक्त से नहाकर ये संसार शुद्ध हो गया है। आर्यवर्त की प्रजा जिन अधर्मी राजाओं का अनुकरण करती थी, उन सभी राजाओं का नाश हो गया है। किंतु हमारा विध्वंस क्यों नहीं हुआ गोविंद? हम भी तो भूतकाल की धरोहर लेकर जी रहे हैं। अग्नि से जन्मी हो सकी और तुम्हारे पांचों पति मंत्र प्रसाद हैं। तुम में से कोई भी पुरातन रक्त की धरोहर लेकर नहीं जन्मा। ईश्वर ने तुम्हें दिव्य जन्म इसी कारण से दिया था कि तुम संसार की नई व्यवस्था निर्मित कर सको। राता युधिष्ठिर संसार को न्याय और धर्म का लाभ अवश्य देंगे और उनका उत्तराधिकारी जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, समय ने उसे गर्भ में ही मारकर पुनः जीवन दान दिया है। अर्थात उसका शुद्धिकरण भी हो गया है। सखी, ये बलिदान केवल तुम्हारा या तुम्हारे परिवार का नहीं था, ये बलिदान तो समग्र आर्यवर्त का है। इसलिए अपने दुखों का विस्मरण करो और समग्र प्रजा के कल्याण का विचार करो। समग्र प्रजा के उद्धार का विचार करो और कुछ नहीं। भविष्य के सूर्य की पहली किरण को उगते हुए देखो। जो सबकी प्रतीक्षा कर रही है।